Students, hope you will be fine. In the previous lecture, we have discussed about the exercise 1.2. आज का जो हमारा lecture है वो 1.3 का है, जिसमें हमारे पास कुछ exponential equation मौजूद हैं जिनको हमने solve करना है. तो हमारे पास पहली equation है exercise 1.3 की, 2x^4 माइनस 11x^2 + 5 = 0. तो सबसे पहले आपने इसको ये देखना है कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी जो तरतीब है वो पावर्स की तरतीब में है या नहीं है. अगर नहीं है तो उसको हम तरतीब में देंगे. यहाँ पर ऑलरेडी ये तरतीब में है कि पहले 2x^4 है माइनस 2x^2 है + 5 = 0, यानी कि हाईएस्ट पावर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर, इस तरतीब के साथ मौजूद होना चाहिए. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं सॉल्यूशन. इसके अंदर सबसे पहले ये देखिएगा कि पावर्स, ये x^4 है और ये x^2 है. जो छोटी पावर है उसको हम लेट कर देंगे, यानी कि x^2. तो हम यहाँ पर करते हैं लेट x^2 इज इक्वल टू y. x^2 को हमने y के बराबर कर दिया. फिर हम यहाँ पर इन दोनों का स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्केयर ले लें. तो x^2 का स्केयर बराबर है y का स्केयर, तो ये हो जाएगा x^4 इज इक्वल टू y^2. तो हमारे पास ये, हम इसको 1 का नाम दे दें और इसको हम 2 का नाम दे दें. तो इसको, इनकी जो वैल्यूज़ है उसको हम इक्वेशन में पुट कर दें. जो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x^4 माइनस 11x^2 + 5 = 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यूज़ कॉमा वी गेट, अब 2 × x^4 की जगह पर क्या लिखेंगे, y^2 माइनस 11 × x^2 की जगह पर क्या लिखेंगे, y + 5 = 0. ये हो जाएगा 2y^2 माइनस 11y + 5 = 0. अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 5 × 2 = 10. अब 10 को के दो फैक्टर के उसको प्लस माइनस करके 11 आए, तो 10 × 1 = 10. तो 2y^2 माइनस 10y माइनस y प्लस 5 = 0. फैक्टराइजेशन मेथड हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं. तो इन दोनों में कॉमन 2y × y - 5 और -1 कॉमन y - 5 = 0. अब इन दोनों टर्म में y - 5 कॉमन है, तो y - 5 × यहाँ पर क्या बच गया, 2y - 1 = 0. तो y - 5 = 0 एंड 2y - 1 = 0. यहाँ पर y की वैल्यू -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा और y = -1 उधर जाकर 1, और 2 डिवाइड है तो डिवाइड बाई 2. अब हमारे पास यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो असल में क्या है, x^2 है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x^2 = 5 और x^2 = 1/2. हमें चाहिए x, इधर का भी स्केयर रूट ले लें और इधर का भी स्केयर रूट ले लें, कैंसल, x = √5 और इसका भी स्केयर रूट ले लें, इसका भी स्केयर रूट ले लें, कैंसल, x = √1/√2. तो देयरफॉर हमारा जो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, √5, 1/√2. इस मेथड के ज़रिए आपने बाकी सवालों को हल करना है. दूसरा सवाल हम देखते हैं. तो सबसे पहले इसको हम तरतीब देते हैं कि 2x^4 माइनस 9x^2 + 4 = 0. यानी कि मैंने क्या किया कि उस साइड वाली जो जितनी भी वैल्यूज थी, टर्म थी, उसको हम लेफ्ट साइड पर ले आए, बाकी सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर जो छोटी पावर है उसको लेट करें. x^4 छोटी है या x^2, तो x^2 छोटी है, = y कर दिया. और यहाँ पर हमने क्या करना है, टेकिंग स्केयर, दोनों साइड का स्केयर लेना है, स्केयर ऑन बोथ साइड, यानी कि x^2 का भी स्केयर = y का भी स्केयर. तो x^4 = y^2. तो हमारे पास ये 1 और ये हमारे पास 2. हम क्वेश्चन को राइट कर देते हैं. अब जो हमने उसको रीअरेंज किया उसको, 2x^4 माइनस 9x^2 + 4 = 0. पुटिंग दी वैल्यूज, हम यहाँ पर x^4 और x^2 की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज़, तो हम वी गेट, हम हासिल करते हैं 2 × अब x^4 की जगह पर क्या आएगा, y^2
माइनस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया टू वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। फोर टू जा एट, यानी कि कांस्टेंट को और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फोर टू जा एट, एट के हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस माइनस करके नाइन आना चाहिए। तो एट वन जा एट, एट प्लस वन नाइन, चूँकि ये माइनस है तो माइनस आएगा। तो टू वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो टू वाई इसमें कॉमन, वाई माइनस फोर माइनस वन इंटू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। कॉमन वैल्यू को पहले लिखेंगे, वाई माइनस फोर दोनों में कॉमन है, बाकी यहाँ पे टू वाई और माइनस वन बच जाता है इज इक्वल टू जीरो। तो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू चार और वाई इज इक्वल टू वन बाई टू। हमारे पास वाई असल में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम वाई की जगह पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू। हमें चाहिए एक्स, दोनों साइड का रूट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू और यहाँ पर एक्स का रूट इधर भी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट टू। वैसे हम इसके साथ अंडर रूट के साथ हमेशा जब अंडर रूट को रिजॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं। तो हमारा इस सवाल का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, प्लस माइनस टू कामा प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पर इसको तरतीब देते हैं, पहले फाइव एक्स की पावर वन बाई टू माइनस सेवन एक्स की पावर वन बाई फोर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो छोटी पावर है वो कौन सी है, एक्स की पावर एक बटा दो छोटा होगा या एक्स की पावर वन बाई फोर, तो एक्स की पावर वन बाई फोर छोटा है। वो कैसे, अभी देखिए वन बाई टू का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक चीज़ है उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर दें, और वन बाई फोर मतलब एक चीज़ है उसको आप चार हिस्सों में तकसीम कर दें। तो जब चार हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वो चीज़ मज़ीद छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, लेट लेट एक्स की पावर वन बाई फोर इज इक्वल टू वाई। तो टेकिंग दोनों साइड का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स की पावर वन बाई फोर इसका भी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई का भी स्क्वायर। पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स की पावर एक बटा चार ज़रब दो बराबर है वाई स्क्वायर। तो एक्स की पावर टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वन बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये मेरे पास वन और ये मेरे पास टू। तो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर देता हूँ, फाइव एक्स की पावर वन बाई टू जो हमने अरेंज की है माइनस सेवन एक्स की पावर वन बाई फोर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो वी गेट हम हासिल करते हैं क्या, फाइव इंटू एक्स की पावर वन बाई टू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के, माइनस सेवन इंटू एक्स की पावर वन बाई फोर किसके बराबर है, वाई के, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो फाइव वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। टू फाइव ज़ा टेन, अब टेन की फैक्टराइजेशन करनी है आपने कि उसको प्लस माइनस करके सेवन आए। तो टू फाइव ज़ा टेन, फाइव और टू को प्लस करने से सेवन आता है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फाइव वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। फाइव वाई इंटू वाई माइनस वन माइनस टू इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर माइनस इसलिए लिया ताकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कामन लेते हैं तो कामन आने वाले दोनों एक जैसे होने लाजमी हैं। अगर आपका कामन वाला सेम नहीं आता दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जो कामन उसको पहले लिखे हैं वाई माइनस वन, बाकी क्या बताया यहाँ पर, फाइव वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और फाइव वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू बाई फाइव। अब हमारे पास वाई की वैल्यू है क्या, असल में एक्स की पावर वन बाई फोर है, तो मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर वन बाई फोर इज इक्वल टू वन, एक्स की पावर वन बाई फोर इज इक्वल टू टू बाई फाइव। अब ये वन बाई फोर है, ये कैसे ख़त्म होगा, जब हम इसका पावर फोर ले लेंगे, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक्स की पावर वन बाई फोर, इसकी पावर भी चार बराबर है वन की पावर भी चार, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन। अब एक्स की पावर वन बाई फोर, इसकी पावर चार बराबर है टू ओवर फाइव, इसकी पावर भी फोर, तो एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू की पावर फोर, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन, सो सिक्सटीन ओवर फाइव की पावर फोर, पाँच पंद्रह पच्चीस, पच्चीस पंद्रह एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस पंद्रह छः सौ पच्चीस, सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव। तो हम यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू वन कामा सिक्सटीन ओवर सिक्स ट्वेंटी फाइव, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
ये सवाल देखिएगा, सबसे पहले रीअरेंज करें इसको, एक्स की पावर 2/3 प्लस 54 माइनस 15 एक्स की पावर 1/3 इजिकल टू 0। एक्सपोनेंट को साथ लिख दें, एक्स की पावर 2/3 माइनस 15 एक्स की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल जैसे तरतीब है वैसे ही रहने दें, बस आपने उसको जो राइट साइड पर है उसको लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाना है। तो यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है वो 1/3 है, 2/3 यानी कि 2/3 किसी चीज़ के तीन हिस्से किए हैं तो उसमें से दो, किसी चीज़ के तीन हिस्से किए हैं उसमें से एक, तो वो छोटा होगा जो एक वाला होगा। तो लेट करेंगे x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्केयर ले लें, x की पावर 1/3 इसका भी स्केयर विच इज इक्वल टू y का भी स्केयर, तो x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू y का स्केयर, तो x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्केयर। तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर देते हैं जो हमने रीअरेंज किए हैं, x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब x की पुटिंग दी वैल्यूज, हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज कॉमा वी गेट, तो हम हासिल करते हैं x की पावर 2/3। अब x की पावर 2/3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 15 इंटू x की पावर 1/3 किसके बराबर है, y के प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 54 वन ज़ा 54, अब 54 के फैक्टराइज 6 9 ज़ा 54 होते हैं, और 6 और 9 जब हम उसके फैक्टर बनाएंगे तो वो 15 आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई माइनस 6 माइनस यहाँ पर हम किसको 9 को कॉमन लेंगे, तो y माइनस 6 यानी कि 9 वन ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 सिक्स 54 इजिकल टू 0। कॉमन y माइनस 6 कॉमन आया और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इजिकल टू 0 एंड y माइनस 9 इजिकल टू 0। तो y इजिकल टू 6, y इजिकल टू 9। अब y जो 6 है, y किसके बराबर है, y x की पावर 1/3 इजिकल टू 6, x की पावर 1/3 इजिकल टू 9। अब x की पावर 1/3 है तो इसकी भी पावर 3 ले लें और इसकी पावर भी 3 ले लें, कैंसल, x इज इक्वल टू, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216, तो 216 हमारे पास आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर x की पावर 1/3 इसका भी क्यूब ले लें और इजिकल टू 9 का भी क्यूब ले लें, कैंसल, x इजिकल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 मल्टीप्लाई बाय 9 9 मतलब 9 9 एट 72 729। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट आता है वो क्या आएगा, 216, 729, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तमाम के तमाम वो इक्वेशंस हैं जो एक्सपोनेंट इक्वेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स जो वेरिएबल है वो पावर्स में मौजूद है, तो वेरिएबल जब पावर में मौजूद होती है तो हम उसको लेट करके हल करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, और बाद में हम उनको बाद में जो उनकी वेरिएबल्स की पावर होती है उसके मुताबिक उसको हल करके हम सॉल्व करते हैं। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।